हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस ऑफ फ्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों, एसएसबी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है दोस्तों। ये एएसआई स्टेनोग्राफर पोस्ट देने को मिलेगा दोस्तों, देख सकते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर पोस्ट देने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, पोस्ट में आप लोग को पोस्ट कितना मिलेगा, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग को वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ लाइक और को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इन द गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को मिलते रहेगा और कुछ रहेगा। और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, देख सकते हो ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल आप लोग को पटाई होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आया है। इसमें आप लोग को पोस्ट नेम देखने को मिलेगा दोस्तों, एएसआई स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर पोस्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आप लोग को पोस्ट नेम आप लोग को दोस्तों देखने को मिले, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर टोटल आप लोग को 40 पोस्ट देने को मिलेगा। और यूआर कैटेगरी के लिए आप लोग को 14 पोस्ट देने को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 17 पोस्ट, एससी कैटेगरी के लिए आप लोग को 6 पोस्ट, एसटी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, टोटल मिला के 40 पोस्ट देने को मिलने वाला है दोस्तों। उसका साथ साथ दोस्तों, ये देख सकते हो इसमें जितना पोस्ट है इसमें आप लोग को 10% ऑफ रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन के लिए आप लोग को 10% है। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा दोस्तों, आप लोग को ऑफलाइन माध्यम से अगर अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसमें साफ साफ बोला गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आप लोग को पोस्ट नेम में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर पे स्केल आप लोग को दोस्तों देने को मिलेगा दोस्तों, लेवल 5 का आप लोग को पे स्केल मिलेगा, 29,200 से लेके दोस्तों 92,300 पर मंथ आप लोग को सैलरी मिलने वाला है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों अदर अलाउंस भी आप लोग को दोस्तों देने को मिलेगा दोस्तों, देख सकते हो रेशन मनी अलाउंस, रेंट, हाउस रेंट, आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को लेवल 5 तक इसी तरफ से आप लोग को अलाउंस भी मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए आप लोग को आपका एज दोस्तों 18 ईयर से लेके 25 ईयर तक आप लोग को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट हिसाब से आप लोग को एज सिलेक्शन भी मिलने वाला है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आप लोग को इंटरमीडिएट मतलब है 10+2 मतलब आपका क्लास 12 पास होना जरूरी है दोस्तों, क्लास 12 पास होना जरूरी है। उसका साथ साथ दोस्तों, इसमें आप लोग का स्टेनोग्राफर टाइपिंग भी आना जरूरी है। आप लोग को 10 मिनट में आप लोग को 10 मिनट दिया जाएगा, आप लोग को पर मिनट में आप लोग को 80 वर्ड पर मिनट आप लोग को टाइप करना होगा दोस्तों। उसका साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो 30 डेज तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। तो कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूं दोस्तों। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे दोस्तों, देख सकते हो यू आर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए आप लोग को 100 रुपीज पे करना होगा दोस्तों, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। नेट बैंकिंग आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद इसमें नॉन रिफंडेबल आप लोग को रिफंड नहीं दिया जाएगा, इसमें साफ साफ बोला गया है दोस्तों। और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए तो आप लोग को एप्लीकेशन फीस देने की कोई जरूरत भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप दोस्तों देख सकते हो वेबसाइट भी दी गया है, www.ssbrect.gov.in करके आप लोग को वेबसाइट करके आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। बात आती है दोस्तों, ये ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, ये महीना, इस महीना में लास्ट में भी हो सकता है, अदरवाइज आप लोग को 1 जून से आप लोग को ये 100% ये ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। जब ऑनलाइन अप्लाई लिंक एक्टिव होगा, मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट फॉर्म तक मैं आप लोग को इस चैनल में मैं आप लोग को बताऊंगा। इसीलिए आप लोग को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले, और बाइक के चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अभी तक ट्रेडमेंट के डिटेल भी मैंने अलग वीडियो से मैंने बताया, अभी तक नहीं देखी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, वो आपको जरूर देख लेना, विजिट कर लेना। तो चलो दोस्तों, आई होप आप लोग को होगा समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।